कुमारडी में महिला सशक्तिकरण पर एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन। ग्राम सभा में महिलाओं की भागीदारी से ही योजना बनने, दुलारी सुमन ने कही। बागमारा प्रखंड अंतर्गत हथुड़ी पंचायत के कुमारडी गांव में महिला सशक्तिकरण पर एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन विरसा रांची के द्वारा किया गया। सेमिनार में महिलाओं ने अपनी आर्थिक मजबूती और राजनीति में भागीदारी कैसे हो, इस पर गहनता से चर्चा की। उपस्थित महिलाओं ने कहा कि हमारे खेत में सिंचाई का साधन, कुटीर उद्योगों, कोयला निकाल लेने के कारण पानी की समस्या जो हुआ है, इसके लिए पीने की पानी का व्यवस्था, रोजगार के लिए महिलाओं को प्रशिक्षण की व्यवस्था करना है। विरसा रांची की दुलारी सुमन ने बताया कि ग्राम सभा के माध्यम से रोजगार के लिए योजना बनाना है। DMFT से आप आने वाले वित्त वर्ष के लिए योजना बनाना है। ग्राम सभा में महिलाओं की भागीदारी के साथ योजना बनना चाहिए। खेती के लिए सिंचाई का योजना बनाना है। ग्राम सभा में निगरानी समिति में महिलाओं की भागीदारी ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। उमेश तुरी ने कहा कि राजनीति भागीदारी के लिए अपने अधिकार को पाने के लिए संगठन का निर्माण जरूरी है। इस मौके पर सुमन जयवंती, वीर सिंह मुंडा, उमेश तुरी, संपत घुसाल, सुमन सुभाष गयाली, भुवनेश्वरी देवी, प्रधानाचार्य रेखा साहू, सुषमा देवी, अमीना खातून आदि दर्जनों महिला उपस्थित थी। अब ये जान सकते हैं कि महिला सशक्त है, और वो महिला ही सशक्त है जो खुद से लड़ रही है, समाज से लड़ रही है, जो विरोधों से टकरा रही है, जो अपने अंदर कैपेबिलिटी ला चुकी है। वो आगे है अगर हम लोकतंत्र के अंदर है और दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र के अंदर है, तो हमें भी लोकतंत्र का हिस्सा होना चाहिए, यानी कि राजनीति।